हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 3 स्टॉक्स कल के लिए यानी 12 जनवरी के लिए, बेस्ड ऑन सिमेट्रिकल ट्रायंगल। फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ नियम के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में। जो फर्स्ट नियम ये बोलता है कि मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड द सिमेट्रिकल ट्रायंगल। फ्रेंड्स, आप लोग इधर देख सकते हो, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है उसके अंदर ही मार्केट ओपन होना चाहिए। चलो हम लोग देख सकते हैं सेकेंड नियम क्या बोलता है। नो ट्रेड बाई साइड इफ़ फर्स्ट कैंडल ओपन अबव द सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, जो फर्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर नहीं होना है, ठीक है। तो हम लोग जाना चाहिए शॉर्ट सेल के साइड पे हमको जाना है। फ्रेंड्स, जो हम लोग में कल आपके लिए दिया था 3 स्टॉक्स, उसके बारे में हम लोग थोड़ा परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेंगे। कल मैंने आपके लिए दिया था स्टॉक्स ONGC का। ONGC का आप लोग इधर देख सकते हो, उसने शॉर्ट सेल की तरफ से टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है। तो जो अभी मैं फिर कल के लिए मैं देने वाली हूँ आपके लिए स्टॉक, वो है टाटा पावर। अगर ब्रेक डाउन हो गया तो शॉर्ट सेल का ये लेवल है, अगर ब्रेकआउट हो गया तो बाय साइड का ये लेवल है। वही कल का जो सेकंड स्टॉक मैंने दिया था टाटा कंज्यूमर का, उसका एक बार हम लोग परफॉर्मेंस रिव्यू देख लेंगे इधर। टाटा कंज्यूमर का जो उसने टारगेट अचीव कर लिया है शॉर्ट सेल के साइड, आप लोग इधर देख सकते हो। जो कल फिर से मैं देने वाली हूँ आपके लिए स्टॉक, वो है L&T का। L&T का आप लोग देख सकते हो, अगर ब्रेक डाउन हो गया तो शॉर्ट सेल का ये लेवल है, ब्रेकआउट हो गया तो बाय साइड का ये लेवल है। चलो हम लोग जाएंगे थर्ड स्टॉक जो मैंने आपको कल दिया था, उसका परफॉर्मेंस रिव्यू हम लोग देख लेंगे। वो है NOCIL। NOCIL ये एक इन्यू टाइप का स्टॉक है, जो दोनों साइड उसने टारगेट अचीव कर लिया है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो इधर बाय साइड पे भी उसने टारगेट अचीव किया है और शॉर्ट सेल साइड पे भी उसने टारगेट अचीव कर लिया है। जो कल के लिए और जो मैं देने वाली हूँ थर्ड स्टॉक, वो है डी मार्ट का। ये है बाय ब्रेक डाउन का, ये है शॉर्ट सेल का लेवल, और ब्रेकआउट का ये है बाय साइड का लेवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।